चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है टॉपिक मीनिंग का, क्लास का मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग। वैसे मैं समझा चुका हूँ, एक बार फिर से देख लेते हैं। व्हेन अ क्लास इज एंटायरली बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब कि हेरिडिटी के हिसाब से एक दूसरे, एक से दूसरी पीढ़ी पे जो चीज आती है, समझ आती है, सोच आती है, वो होता है इनहेरिटेंस। जो आप अडॉप्ट करते हो वो चीज होती है कास्ट। ठीक है, क्या हुआ कि एक क्लास थी जो मैंने आपको बताया, कैटेगरी नहीं, कैटेगरी में जो सब डिवीजन है उनको आप क्लास बोल सकते हो। क्लासेस के अंदर फिर और सब डिवीजन हुए, और जब हमने इनहेरिटेंस कर लिया कि भाई हम तो इसी के चीज के हैं और हम इस तरह जाति के हैं वगैरह वगैरह जो भी है, तो धीरे धीरे वो कास्ट का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं अपने आप ही आगे आ गया। इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया था, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कब आया, कोई फिक्स ईयर में आया, कोई फिक्स डेट में आया, कोई बुक में लिखा हुआ है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, बुक में बस वही लिखा हुआ है चार वर्ण थे इंडिया में, वो कब कैटेगरी में हुए, कैटेगरी कब सब कैटेगरी हुई, वो टाइम के साथ साथ हुई। कैसे एग्जांपल मैंने आपको कल महाभारत टाइप का दे दिया, लोग बाग आते रहे, लोग बाग अपने हिसाब से किताबें लिखते रहे। ठीक है, किताबों की जब कॉपी करते हैं ना, उनको लिखते हैं ना, तो अपना आप कुछ भी कितना भी लिख दो पर आप उसमें थोड़ा बहुत चेंज लेके आ जाओगे। इसका हल्का सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर मैं आपको कोई आंसर डिक्टेट कर देता हूं या आंसर बता देता हूं, तो एज इट इज ऐसे बहुत कम चांसेस हैं एज इट इज आप लिख के आओगे, उसमें माइनर सा एक दो लाइन अपने हिसाब से चेंज कर ही दोगे कि यार ये इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, या एक दो चीजें ऐड कर दोगे। ठीक है, अपने हिसाब से, क्योंकि आपने भी तो पढ़ाई है कुछ ना कुछ कहीं से, कुछ आपको भी तो समझ में आया होगा। तो वो जो चीज होती है उसको कहते हैं मॉडिफिकेशन। ठीक है, पांच लाइन के आंसर का सात लाइन हो जाना या उसमें कुछ वर्ड्स का चेंजेस आ जाना, ये कह लेते हैं मॉडिफिकेशन, जो आपने अपने हिसाब से किए। ठीक है ना, तो मैं अगर आपको एक बुक देता हूं और बोलता हूं इसको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है आप देखो, इसको रेफरेंस इसी का लो और इसके हिसाब से लिखो, आप कितनी भी उसकी कॉपी कर लो पर कहीं ना कहीं तो आप उसमें चेंज ले ही आओगे, क्योंकि आपका जो सोशल बैकग्राउंड है, आपके आसपास को जो आपने चीजें देखी है जन्म से लेकर आज तक, उसमें वो चीजें आएगी। आप अपने एग्जाम्पल दोगे, एग्जाम्पल आप कॉपी पेस्ट तो करना नहीं है कि एग्जाम को जीरोक्स करनी, अपने एग्जाम्पल दोगे, उसमें कोई एग्जाम्पल होगा उसको चेंज कर दोगे। तो लोगों ने भी क्या किया कि तब से लेके वर्ण व्यवस्था के टाइम से लेके आज तक में जो बुक्स जो हम उसको सेक्रेड मानते हैं उसका ट्रांसलेशन या उसको चेंज करते या अपने थॉट लिखते लिखते इतने ज्यादा उसमें चेंजेस लेके आ गए कि हम उसी को सही मानने लगे, और जो मेन कॉपी थी किताब की या मेन जो फंडामेंटल हमारा इंडिया का प्रिंसिपल है उसको कहीं ना कहीं हम भूल चुके हैं और उसको अपने हिसाब से हमने मॉडिफाइड कर दिया। और चेंजेस किसने किए, ये जनरली चेंजेस किए जो भी ये पंडित वगैरह जो लिखने वाले होते हैं ना, इन्होंने जो है पूरा इधर का उधर कर दिया अपने हिसाब से, ताकि अपने वाले जो जजमान होते हैं उनसे ज्यादा पैसे ले सके, उनको ज्यादा सुपीरियर बताने से ज्यादा पैसे आ सके। ठीक है ना, तो जो भी एक्स वाई जेड जो चीजें होती है, जो भी कास्ट वगैरह होती है, उन्होंने इस तरह का बुरा मामला कर दिया। कास्ट्स आर सच सोशल ग्रुप्स विच हैव सेपरेटेड देमसेल्फ फ्रॉम अदर्स। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन करना, कास्ट्स वाले से, विच हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मटेरियल रिलेशनशिप इज ओनली विद इन देयर पेरिफेरी एंड दे हैव ट्रेडिशनल बिजनेस बेस्ड ऑन कास्ट। ठीक है, कास्ट एक ऐसा सोशल सामाजिक ग्रुप है, ठीक है, जो क्या करता है अपने आप ही दूसरी कास्ट से जो है सेपरेट हो गया। कैसे, मैंने आपको कल बताया था कैटेगरी की, सब कैसे, सब की सब कैटेगरी वन है, तो वन ए में भी वन ए प्लस प्लस। ठीक है, इस हिसाब से लोगों ने, ये किसी ने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया, लोगों ने अपने हिसाब से बोल दिया हम आज मतलब हम इस कैटेगरी के, हम उस कैटेगरी ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत से चेंजेस आते गए धीरे धीरे। आपको पता हो तो पहले जैसे ये अपना फॉरमोस्ट है, यही एग्जाम्पल सही रहेगा कि जैसे ये आजकल एक्स एक्स वाई जेड जो भी क्लास कास्ट उसके अंदर हम सिंह लगाते हैं कि भाई एक्स वाई जेड सिंह, ये सिंह, ये सिंह क्या था, ये सिंह क्या पुराने जमाने में था क्या, नहीं था। आप पुराने जमाने के नाम सुनोगे तो क्या दिखता है, राणा प्रताप, तो राणा तो उनकी टाइटल थी, प्रताप उनका ओनली नाम था, उसके आगे वो कोई नाम नहीं लगाते थे कि मैं इस जाति का हूं, प्रताप सिंह सिसोदिया, ऐसा वो नहीं लिखते थे। या पृथ्वीराज सिंह चौहान, वो ऐसा वो बिल्कुल नहीं लिखते थे, वो लिखते थे पृथ्वीराज या सम्राट पृथ्वीराज। ठीक है, फिर धीरे धीरे आए राव जोधा, राव मालदेव, ठीक है, राव बीका, यही इनके नाम थे। ठीक है, और नाम जो होता है वो एज अ सिंबल होता है, इसका क्या मतलब होता है इस आदमी का। ठीक है, वो नाम दे रखे थे, इनकी कोई ऐसे सिंगविंग नहीं रहा। फिर धीरे धीरे चेंजेस होते होते बीच में क्या हुआ, अंग्रेजों जमाने के आसपास जो है किसी ने बीच में नाम के आगे जो है एक्स वाई जेड, उसकी बहुत बड़ी लंबी कहानी है, तो किसी ने क्या कर दिया, नाम के आगे सिंह लगा दिया। तो उसने सिंह लगा दिया तो दूसरों ने लोग भाई सिंह लगाने से जो है सी मतलब सेल हो जाए, सिंह लगाने से जो है वास्तव में भाई इफेक्ट अच्छा पड़ रहा है, तो दूसरों ने भी देखा देखी जो है और सिंह ऐड कर ली। फिर धीरे ये लोगों के मन में ये आने लग गई कि भाई सिंह लगाने से जो आप असली उस एक्स वाई जेड जो भी कैटेगरी है वो जो जाती है उसके आप अच्छे लोगों के, आप माने जाओगे, आप उसी कास्ट के हो।
तो लोगों ने फिर वो उसको क्लास से कास्ट से जोड़ते हुए क्या कर दिया, सबने सिंह लगाना स्टार्ट कर दिया। फिर किसी ने क्या हुआ, अपनी जो सब कैटेगरी थी, अपनी जो सब कैटेगरी जो भी जाति आई एम दिस बाटी से का दरट और एक्स वाई जेड जो भी है, उसने वो लगाना स्टार्ट कर दिया। तो लोगों ने कहा हाँ यार ये लगाना चाहिए, ठीक लगता है, ठीक है, इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है, एक फैंसी फैंसीनेस आ रहा है अपना आप नाम के अंदर। लोगों ने क्या वो भी ऐड करना जोड़ दिया, और उसके भी और सब कास्ट वगैरह चीजें होती रही, ठीक है, और ये नाम वगैरह तो इस तरह से होते गए। तो पहले ये कोई चीज नहीं थी, जो पहले राजा महाराजा थे वो ऐसे थोड़े लगाते कि राव मालदेव सिंह जोधा, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो राव जोधा थे तो उनके जो भी बच्चे हुए उन्होंने धीरे धीरे आगे 100-200-300 साल बाद जो है किसी ने सिंह लगाया, सिंह के बाद बोला यार मैं असली में वंशज किसका हूं, पहचान अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए उन्होंने जो सिद्धू अपने आप को किससे जोड़ दिया, सीधा जोधा से जोड़ दिया। तो जोधा जी तो जोधा तो उस आदमी का नाम था, उस आदमी की नाम लेके अपने आगे नाम के आगे लगा दिया सिंह के आगे, बोले मैं इस कास्ट का हूं पर्टिकुलर, और भी उसके भी अंडर में और आए तो उन्होंने और इस तरह से जो मतलब हजारों चीजें होगी, ठीक है। इसका क्यों लिया कि ये हमारे प्रोमिनेंट क्लास चलती है, कास्ट चलती है हमारे आसपास की पूरा सोसाइटी के अंदर, तो उसका एग्जांपल लेना ठीक लगा, बाकी मुझे अनुमान नहीं। चलिए ठीक है, तो इनकी ओन अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक होती है, मैरिटल रिलेशनशिप इनके हिसाब से मैंने बताया था, सबके अलग अलग पूरे फंडामेंटल होते हैं हर तरह के कल्चर में प्रिंसिपल में, देर पेरिपरी, पेरिपरी मतलब जो आसपास की जो चीजें हैं जो कल्चर है वो चीज, एंड दे हैव अ ट्रेडिशनल बिजनेस कास्ट बेस्ड ऑन कास्ट, और इनका एक पर्टिकुलर बिजनेस होता है, हर कास्ट ने अपना एक बिजनेस पर्टिकुलर कर दिया है, ठीक है, इस इसमें हम जा सकते हैं, इसमें हम नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्सवाइज बहुत होता है भाई, सीधा सा सिंपल है, ठीक है। अब जैसे लोहार है, ठीक है, लोहार है, जैसे मोची है, चमार जिसको बोलते हैं, ठीक है, या जो दूसरे एक्सवाइज जैसे सोनार है, तो इन्होंने अपना एक फिक्स काम कर लिया कि हम ये कास्ट लगा रहे हैं तो हम ही ये काम करेंगे, दूसरा नहीं कर सकता, ठीक है। किसान है तो किसान जो थे उन्होंने बोला हम किसान ही फिक्स कर दिया है, हम जो है इस कैटेगरी के लोग ही किसान है। तो ये धीरे धीरे जो अपने आसपास के माहौल को देखते हुए जब हमने हमारा ट्रेड जो है, बिजनेस जो है, नेम जो है, जैसे ही वो फिक्स कर लिया, हम जो है इस कास्टिज्म के पूरे इस पूरे जो विशेष साइकिल है, मतलब ये जो पूरा काल चक्र है, दुष्चक्र है, इसके अंदर फंस गए और हमारी सोसाइटी किस तरह से इलाबोरेट हो गई, ठीक है। अब इसका क्या एक्चुअली क्या है कि अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ते हो, ठीक है ना, तो बीए में अगर आप सोशियोलॉजी वगैरह, तो सोशियोलॉजी में बहुत अच्छा डिफाइन कर रखा है, इसकी एक दो बुक्स भी है, बाद में आपको बता दूंगा मैं, तो उसमें पता चलता है कि किस तरह से मतलब ये सारे चेंजेस आने लग गए। आप पढ़ोगे तो आप भी हंसोगे, बोले ये जो हम ये बेवकूफिया कर रहे हैं नाम के लगा के इधर उधर से चीजें हैं, और किस तरह से चेंज होगी। और अगर आप कोई क्वेश्चन भी रेज करता है अपने पेरेंट्स से या अपने विलेजेस में या अपने आसपास के जो भाई हमको लगता है कि ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, नो डाउट वो होंगे इंटेलिजेंट, ठीक है, पर उन्होंने अगर बुक नहीं पढ़ी या उन्होंने उनका एजुकेशन इतना प्रॉपर नहीं है, ओपन माइंडेड, वही बात वही टॉपिक आ गया, उनका माइंड ओपन नहीं है, वो फिर आपको बोलेंगे यार सब दिमाग खराब है, सब गलत बता रहे, अपना जो जाति वो सबसे आगे है, वो एक्स वाई जेड चीज है। तो उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं मैं, तो सिर्फ इसका मीनिंग बता रहा हूं। अकॉर्डिंग टू जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जेपी नारायण जो थे उनके हिसाब से, कास्ट इज एन इंपॉर्टेंट पार्टी इन इंडिया, कास्ट आजकल एक इंपॉर्टेंट पार्टी हो गई है, ठीक है, बिना इसके जो है आप कुछ नहीं कर सकते। कास्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स इन वेरियस वेज, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप जो है पॉलिटिक्स में जो है रोल प्ले करती है, कैसे करती है, एथनिक ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट डिसीजन, और जो ये डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट डिफरेंट जनजाति के जो लोग हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कि पॉलिटिक्स जो डिसीजन होते हैं वो उनको इफेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं। देखो ऐसा है कि जो बड़ी जाति वाले अगर वो ज्यादा जीत के आए तो वो हमेशा ये ट्राई करेंगे कि हमारी जाति के लिए ज्यादा काम, साथ ही साथ जो एक्स वाई जेड है, एससी एसटी ओबीसी और भी बहुत सब कास्ट है, उनका कोई मेंबर जीत के आया, उनकी गवर्नमेंट है, वो क्या ट्राई करेगा कि मेरे लोगों का ज्यादा भला हो। भला क्यों हो, क्योंकि अगली बार और वोट लेना है, ठीक है। तो सब लोग अपनी ही कास्ट को आगे बढ़ाने के चक्कर में पूरी पॉलिसीज को उसके आसपास ही फ्रेम करते हैं, फ्रेम मतलब बनाते हैं, जो भी पॉलिसी बनती है ना उसमें कहीं ना कहीं जो है जाति का या किसी एक ट्रेडमैन का या किसी बिजनेसमैन का फायदा होता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से पूरी पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती है। भाई डिजिटल इंडिया बनाया गया, ठीक है, ज्यादा कहना नहीं होगा क्योंकि वीडियो में इस तरह से कहना थोड़ा गलत भी हो सकता है, ठीक है। भाई डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है इंडियन गवर्नमेंट का, तो उसमें क्या था, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, प्रोग्राम क्या था कि पूरे इंडिया में जो है डिजिटाइजेशन करना, मतलब इंटरनेट वाईफाई मोबाइल में डेटा वगैरह ये सब जो इंटरनेट सबके आसपास होना चाहिए, सबका बैंक से जुड़ना होना चाहिए, ठीक है ना। पर ये बात कोई नई बात नहीं है, ये जो इस गवर्नमेंट ने या जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इन्होंने लॉन्च की थी
पर ये 1991 के आसपास जो है राजीव गांधी करके हुआ करते थे, इंडिया में कंप्यूटर को लेके ही वो आए थे, कंप्यूटर एजुकेशन को लेके उन्होंने स्टार्ट किया था। तो उनकी जो प्रोजेक्ट था उसको हमने चेंज करके थोड़ा मॉडिफाई करके और क्या किया कि सबको जो है वाईफाई कनेक्शन देंगे, सबको 3G 4G प्रोवाइड करवाएंगे वगैरह। अब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कंपनी है जो अभी हाल के 3-4 सालों में बनी है, ठीक है, जो रोज के डेटा देती है आपको 1GB 2GB 3GB जो भी है, ठीक है, और जो प्लान चल रहा है, कौन सी कंपनी है नाम देना ठीक नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो उस डिजिटल इंडिया में उस गवर्नमेंट ने उस कंपनी को फायदा दिया है। आप देखो हर जगह वही कंपनी छाई जा रही है, दूसरी कंपनियां बंद हो रही है, वो इतना सस्ते में कैसे। एक जमाना था तब 300-400 रुपए में 1GB भी ढंग से नहीं मिलता था, ठीक है, और अब जो है आप देखो दिन के 4-5 GB घर में ब्रॉडबैंड टीवीज WLL वगैरह इंटरनेट वगैरह इतना भयंकर आ रहा है। तो ये उनको फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह से प्लान किया हुआ है कि हमें लगता है कि हमारे फायदे के लिए, नो डाउट हमारे फायदे के लिए है, मैं मानता हूं, पर कहीं ना कहीं उस फिक्स 1 या 2 या 3 कंपनी को ही तो फायदा हो रहा है। तो हर चीज जो डिसीजन जो है वो ट्रेड के हिसाब से, जाति के हिसाब से, अपने लोगों के हिसाब से बना हुआ होता है, ठीक है। तो यही ये कहना चाह रहे हैं कि कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गई है। अब कास्ट में सिर्फ जाति नहीं आती, कास्ट में वो ट्रेडमैन जो है वो उसकी कास्ट भी उसी में आ गई, ठीक है ना, इससे अलग कास्ट में जरूरी नहीं, ग्रुप आ गया, ठीक है। तो जब लोगों की भलाई के लिए या लोगों के फेवर अनफेवर के लिए चीजें होने लग गई है तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में इसके बहुत रूट आ गए। और अब बोले कि पॉलिटिशियन को क्या फायदा, पॉलिटिशियन को बहुत फायदा है, पॉलिटिशियन को पैसे मिलते हैं, वो पार्टी उसको फंडिंग करेगी ना, इतना जो खर्चा होता है आपके इलेक्शन वगैरह में 1000 करोड़ 500 करोड़, ये इन पॉलिटिशियन के पास कहां से आएंगे, इनके पास इतना पैसा थोड़ी, इनको बाहर से कोई फंड करता है, कौन करता है, दिखती बात है, ऑब्वियस सी बात है, कंपनीज करती है, कंपनी अपना फायदा तो फिर से वापस उठाएगी ना, भाई मैं आपको 1000 करोड़ रुपए दे रहा हूं तो मेरा भी तो 2-3 हजार करोड़ का फायदा होना चाहिए, तभी तो आपको 1000 दूंगा, ऐसे मेरी कोई भलाई करने में है नहीं किसी पार्टी की कि मैं आपको 1000 करोड़ देता रहूंगा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो होता है रिलेशनशिप, अब मेरा सिंपल सी बात की जाए तो अपना रिलेशन क्या है कि मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो है अब वो पॉजिटिव साइड में जरूर है, पर मुझे लग रहा है भाई अगर मैं इन साल मेहनत करूं तो हो सकता है जो है बच्चे जो है 100 माया जो भी है मार्क्स लेके आ जाए। मार्क्स लेने से मुझे क्या फायदा होगा, कहीं ना कहीं तो फायदा है, फायदा क्या है कि स्कूल का जो है नाम होगा, आपका भी नाम होगा, कोई पूछेगा कहां पढ़े वहां पढ़े तो वहां पे और बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, स्कूल भी अपना 100% और देगा। तो ये सब इकोनॉमी से, ये ट्रेड से, क्लास से जुड़ा हुआ है, और एक स्कूल का नहीं, हर स्कूल का ही है। आपने देखे होंगे बड़े बड़े जो है आपके एडवर्टीजमेंट आते हैं, ठीक है, तो एक्चुअल में क्या वो चीज वहां आती है क्या, नहीं आती है, ठीक है ना। एडवर्टीजमेंट में क्या आता है कि जो है एक स्टूडेंट है वो 99% लेके आ गया, ठीक है, और लिखा हुआ जाता है कि इस क्लासेस के अंदर आप पढ़ते हो तो आपके 99% आ जाएंगे, ये एक्सा बिकता, ठीक है, 10 जनों के जो है 95 से ज्यादा है, ठीक है, इस तरह से आपको देखते जाए। पर कभी किसी ने ये चेक किया है क्या उस स्कूल के अंदर या उस इंस्टीट्यूशन के अंदर या एक्स वाई जेड जो भी है उसके अंदर बच्चे कितने थे, नहीं। ये सारी चीजें सुन के क्या होता है, ये सारी इतना 99% सुन के क्या होता है, ये फैक्ट है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये फैक्ट है। ये चीजें सुन के क्या होता है कि जिस बच्चे के 50% थे ना 60% 10th में या जब भी, वो भी ये सोचने लग जाता है कि मेरे 60% है, अगर मैं इस एक्स वाई जेड जगह जाता हूं ना तो मेरे भी 99 आ जाएंगे। ये एक एडवर्टीजमेंट का जमाना है, 99% आ जाएंगे कहीं ना कहीं, तो इसको भी उम्मीदें बन जाती है। और ये भागा भागा जो है सब छोड़ छाड़ के कहां निकल लेता है, इधर वाले में, क्या पेपर में आया इतना बड़ा, ठीक है, एडवर्टीजमेंट होता है। एडवर्टीजमेंट में लोग क्या होते हैं, अपनी जो है वो ज्यादा बताते हैं कैपेबिलिटीज, ये ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है, उस चक्कर में वहां चला गया, पैसे दे दिए, फीस दे दी, पढ़ाना था जिनको पढ़ाना था। और इनके भी ग्रुप्स होते हैं, इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट, एवरेज, डल, ठीक है, तो आपको जो है 60 वाले को सबसे लोएस्ट बेंच में डाल दिया, ठीक है, वो हुआ पढ़ रहा है, पढ़ा, पास हुआ, फेल हुआ, नंबर कितना है किसी को नहीं पता, क्योंकि नंबर तो 99 उन्हीं के आने जो एक्चुअल में इंटेलिजेंट है, बाकी नहीं आना वो कुछ भी गलत कहीं चला जाए, ठीक है ना। इस चक्कर में बेचारा क्या हुआ, पूरा बर्बाद हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब उन एडवर्टीजमेंट में कहीं ये लिखा हुआ होता है कि हमारे यहाँ पे टोटल 1000 बच्चे थे, हाँ इतने बच्चे होते हैं, 1000 बच्चे थे, 1000 में से जो है 200 फेल हो गए, 800 में से जो है कितनों के जो है थर्ड डिवीजन आई, सेकंड डिवीजन आई, और ऊपर के जो टॉप 50,000 में से उनके 99% आ गए, तो एक कोई जो है सिंबल शो हो रहा है, ठीक है ना। तो ये पूरी एडवर्टीजमेंट के हिसाब से पूरी जो है ये पॉलिटिक्स भी चलती है और आज के सारे रिलेशन भी चलते हैं, ठीक है ना। देखो अब आप तो किसको देख रहे हो, टॉप को, आए कितने 99,
पर ये कोई नहीं देख रहा है कि इतने फिर भी तो गए, इतना इंटेलिजेंट इनको पास करवा लेता है, नहीं। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिक्स भी इसी से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। एथनिक ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंसेस गवर्नमेंट डिसीजन, ठीक है बात होगी अपनी। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट वोटिंग एंड पार्टनरशिप इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज फिक्स्ड, ठीक है। कौन सा कैंडिडेट कौन से इलाके का आएगा, उसको वोटिंग कितना, सब देखा जाता है, ठीक है। आपको बताओ तो आपने जो 1909 और 1919 के एक्ट पढ़े थे उसके अंदर ये था मुस्लिम्स को रिजर्वेशन वगैरह दिए थे, उसके हिसाब से कैंडिडेट वगैरह वो सब आना पड़ा। आजकल भी आपको पता है सीट्स वगैरह जो दी थी इनके हिसाब से दी जाती है, कैसे कि अगर ये एक फिक्स इलाका है उसमें से अगर मुझे किसी को किसी पार्टी को जो है किसी आदमी को वो देना है, क्या नाम, टिकट देना है, तो पहले देखा जाता है इस पूरी कॉलोनी में या इस पूरी जगह में जो है किस जाति के लोग ज्यादा रहते हैं। ये सर्वे होता है पहले इंटरनल, फिर देखा जाता है अच्छा इस जाति के लोग ज्यादा रहते हैं, ठीक है, फिर क्या हिसाब इस जाति के लोग देते हैं, फिर ये लोग किस पार्टी से ज्यादा जुड़े हुए हैं, फिर उनका फीडबैक, फेलियर ने फेलियर पॉजिटिव पॉजिटिव देख के फिर एक आदमी को, ऐसे आदमी को टिकट दिया जाता है जिसकी दो तीन कास्ट के अंदर, अपनी जाति में तो है ही है, दो तीन कास्ट में थोड़ी सी पकड़ होती है, उस आदमी को दिया जाता है। और वो क्या होता है, वो तीन चार जाति वाले लोग उसको वो दे देते हैं, क्या नाम, उसको वोट, और वो जीत जाता है। पूरे इंडिया में ये प्रोग्राम चलता है, ये कोई आपका ऐसा कैंडिडेट को देख लगता है कोई कैंडिडेट कोई ज्यादा अच्छा है, नहीं, वो पूरा एरिया का हिसाब देखते हैं क्या इससे कौन जीत सकता है, कौन से लोग ज्यादा है वोट देने वाले उनको ज्यादा, ठीक है। अगर किसी एरिया में शेड्यूल कास्ट वाले ज्यादा लोग है तो फिर वहां पे किसी जनरल को टिकट नहीं देंगे, रिजर्वेशन को छोड़ दो, बाकी उसमें नहीं देंगे, किसको देंगे, क्या इसको दो, क्यों, क्योंकि ये जीतेगा, इसके जाति के लोग ज्यादा है तो इसके नाम पे लोग वोट देंगे। आजकल वो ये नहीं देखता है कि अपने काम पे नाम पे वोट दे रहे हैं, सब जाति के नाम पे वोट देने के सोचते हैं, और उसी हिसाब से जो है पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोट बिहेवियर, कैंडिडेट पार्टिसिपेशन सब कुछ डिस्कस करता है या इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है ना। ओवरऑल आपको बात जो है वो समझ में धीरे धीरे आनी चाहिए कि किस हिसाब से ये फ्लो चलता है, ठीक है ना। चलिए एथनिक ऑर्गेनाइजेशन वर्क एज प्रेशर ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स वो ग्रुप होते हैं जो सरकार के ऊपर या अपनी जो पार्टीज उसके ऊपर जो है प्रेशर डालते रहते हैं कि हमें भी इंक्लूड करो, हमें भी जो है ज्यादा से ज्यादा कुछ पॉजिटिव दे दो, ठीक है। प्रेशर ग्रुप बहुत सी चीज होती है, एक पूरा चैप्टर भी होना चाहिए था। प्रेशर ग्रुप क्या होता है, बिजनेस का भी हो सकता है, चिल्ड्रंस का भी हो सकता है, स्टूडेंट्स का भी हो सकता है, सिंपल से फॉर्मेट में अगर आपको मैं लेके चलूं, ठीक है। अब इस यूनिट की दिक्कत ये है कि इसके अंदर एक वर्ड भी ऐसा आ जाता है जो बाईपास हो सकता था, ठीक है। प्रेशर ग्रुप को मैं आपको सिंपल समझा के भी आगे निकल सकता हूं, पर आपको आज नहीं तो कल प्रॉब्लम होगी बीएमए में कि प्रेशर ग्रुप क्या होता है, तो यही समझ लो, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, थोड़ा स्पेसिफिक से समझते हैं। प्रेशर ग्रुप क्या होता है, वो कलेक्टिव ग्रुप्स होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन पे या किसी इंस्टीट्यूशन में, तो गवर्नमेंट भी एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी इंस्टीट्यूशन ही है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ही है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है ना वो भी प्रेशर ग्रुप है, किसके लिए, यूनिवर्सिटी के लिए। कैसे, इनकी अगर मांगे पूरी नहीं हुई या इनकी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई तो ये धरना प्रदर्शन वगैरह जो करेंगे, जो प्रेशर डालेंगे वो किस पे डालेंगे, यूनिवर्सिटी पे डालेंगे ना, तो यूनिवर्सिटी के लिए प्रेशर ग्रुप हो, ठीक है। और जो नर्सिंग, आपको बताओ तो जो नर्सिंग है स्टाफ या टीचिंग स्टाफ जो है गवर्नमेंट टीचिंग स्टाफ से, इनको अगर पेमेंट का कोई भी इशू आया, एक्स वाई जेड कुछ भी चीज हुई, प्रॉब्लम हुई, पुलिस हो कोई भी, तो ये अपने रेस्पेक्टिव जो भी ऑर्गेनाइजेशनल हेड है या अपने जो भी मिनिस्ट्री है या जो भी गवर्नमेंट है उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि हमारी मांगे पूरी करो, ठीक है, धरना प्रदर्शन ये वो एक्स वाई जेड बहुत सी चीजें करेंगे, काम पे नहीं जाएंगे, हड़ताल कर देंगे। बैंक वाले हमेशा करते हैं हमारी पेमेंट बढ़ा दो, छोटे कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है। तो ये जितने भी कंपनीज जो है वो भी एक तरीके से प्रेशर ग्रुप्स है। कैसे, कंपनी हमेशा यही चाहेगी मेरा फायदा हो, मेरा फायदा हो, तो वो गवर्नमेंट को क्या कहेगी कि साहब ऐसा है मैं आपके फंडिंग कर दूंगा, कहां कर दूंगा, जब इलेक्शंस होंगे, पार्टीज के पास तो पैसा होता नहीं, ठीक है, फंडिंग मैं करवा दूंगा आपको, पैसे पहुंच जाएंगे कैसे भी पहुंचो, ठीक है, इलेक्शन के अंदर आप जब जीतोगे तब कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाना जिससे हमें भी थोड़ा फायदा हो जाए, तो ये भी एक तरीके से प्रेशर ग्रुप है। वुमेन्स, ठीक है, महिलाएं, ये भी प्रेशर ग्रुप है। कैसे, अपनी मांगे पूरी फुलफिल करवाने के लिए जो ये आंदोलन कर देते हैं, एनजीओस है, डॉक्टर्स है, मतलब हर तरीके से कोई ना कोई प्रेशर ग्रुप है। और ये किस पे प्रेशर डालते हैं, किस पे प्रभाव डालते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पे, इंस्टीट्यूशंस पे, ठीक है ना। और इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या आता है, गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री,
जो भी यूनिवर्सिटीज वगैरह है इनका रेस्पेक्टिव जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब इसके अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है ना। ये काम क्या करते हैं, अपनी मांगे, लोग अपना फायदा पहले देखते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं कास्टिज्म में भी क्या होता है, एक तरह का प्रेशर ग्रुप है जहां पे लोग अपना फायदा, अपनी कास्ट का फायदा देखने की कोशिश ज्यादा करते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए, रेसिज्म क्रिएट्स अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड कलेक्टिविज्म इन द पीपल, ठीक है। अब कहीं ना कहीं ये बात भी बिल्कुल सही है, अगर आप इसके पॉजिटिव भी देखो, जातिवाद के पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव ये है कि कहीं ना कहीं क्या कर रहा है कि जाति वालों को सबको इकट्ठा ला रहा है और वो लोग अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एकजुट हो रहे हैं। पर ये गलत भी है, थोड़ा सा फायदे के चक्कर में आप देखो ना, जब आप बिल्कुल ब्लॉक्स में बट गए हो तब आप इंडियन कहां रहे, आपने कंट्री का सोचा क्या, नहीं सोचा। आपको किससे मतलब है, मेरी जाति आगे बढ़नी चाहिए, मेरा समाज आगे बढ़ना चाहिए, बाकी जाए साइड में, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, किससे, हमारे डेवलपमेंट से, हमारे जो फ्यूचर है उससे। हम अभी अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकियों की नहीं सोच रहे हैं। तो रेसिज्म क्या होता है, एक रेस का, एक ब्रीड का, एक एथनिक सिटी का, एक ग्रुप का, एक कास्ट का, इन सभी चीजों का आगे बढ़ना, एक तरह के लोगों का आगे बढ़ना, वो कहलाता है रेसिज्म, ठीक है। इट क्रिएट्स पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड एक्टिविज्म इन द पीपल, देयर इज रिजेंबलेंस इन फूड ग्रोथ एंड लाइफस्टाइल, ठीक है। ये पॉलिटिकल अवेयरनेस करता है, ठीक है, लोगों के बीच में जागरूक करता है, ठीक है, ये सब ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं ना, इस जाति का वो सर्व समाज, ये पार्टी वो पार्टी, आपके तो मोबाइल में होंगे, घर के भी आजकल ग्रुप बनने लग गए हैं, ठीक है ना। घर के बनते हैं, फैमिलीज होती है ना, चार पांच सब अलग अलग भाई सब इधर उधर रहते हैं, उनका भी एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें सब 10-15 लोग अपने सब जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग उसमें मैसेज करते हो, बोलते हो हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, तो अच्छी बात है, होनी चाहिए यूनिटी। पर वो यूनिटी जो है कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, कंट्री के लिए, स्टेट के लिए खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात भी है, तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी, नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव थोड़े कम, ठीक है। अब फिर से टॉपिक आता है रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के ऊपर जो है वो इंडियन कास्ट सिस्टम जो है, ये कास्ट का पूरा जो पढ़ रहे हो इसका क्या डिफरेंस पड़ता है। कास्टिज्म प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, अकॉर्डिंग टू जयप्रकाश नारायण, कास्ट इज द मोस्ट कॉमन पार्टी, इंपॉर्टेंट पार्टी इन इंडिया, भी आप पढ़ के आए हो। अकॉर्डिंग टू के मेनन, आफ्टर इंडिपेंडेंस द इन्फ्लुएंस ऑफ कास्टिज्म हैज ग्रोन इंडिया टू अ ग्रेट एक्सटेंट, कास्ट प्लेज मेनी टाइप्स ऑफ रोल्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स कैन बी सीन द फॉलोइंग वेज, ठीक है। क्या क्या है, पहला रोल ऑफ कास्ट इन डिसीजन मेकिंग, मैं बता चुका हूँ जो भी डिसीजन होंगे गवर्नमेंट के वो किस तरह से, किस के फेवर में ज्यादा होंगे, अनफेवर में ज्यादा होंगे, किस तरह से वर्क करेंगे, ये सब कास्ट डिसाइड करता है, ये कास्ट एक मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। जब कैबिनेट बनता है, आपको पता है जब ये काउंसिल बनता है पीएम का, सीएम का, जिनका भी, तो इनके अंदर जो मिनिस्टर लिए जाते हैं ना वो भी कास्ट के बेसिस पे लिए जाते हैं। क्या ये सबको खुश रखना जरूरी है, ठीक है ना। तो भाई चार मिनिस्टर, अगर मेरे को 20 मिनिस्टर लेने, फॉर इंस्टेंस काउंसिल जो है मेरी पूरी उसमें 20 मिनिस्टर लेने, तो यार 5 तो मैं लेता हूँ जनरल वाले, 5 ले लेता हूँ शेड्यूल कास्ट वाले, 5 ले लेता हूँ शेड्यूल ट्राइब्स वाले, और 5 ले लेता हूँ ओबीसी वाले। फिर वो जो ओबीसी वाले हैं तो ये तो मेजर एक कैटेगरी होगी। अब इसके अंदर जनरल में भी डिफरेंट कास्टें आएगी, ब्राह्मीण, बनिया, राजपूत, क्षत्रिय वगैरह, ओबीसी में भी जो है आपके जाट, विष्णुई वगैरह, बहुत सी जो है सब बहुत सी चीज आती है। एस सी एस टी में मीना, भील, वो है सब डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, रायका, रेबारी, जो भी है, तो इन सबको भी तो देना है। फिर वो देखेगा 5 जनरल के, अब इसमें से किन किन को लूं, तो बोलेगा पहले एक इसको ले लेता हूँ, फिर इसको ले लेता हूँ, उसको, ये सब डिसाइड होता है ताकि क्या हो, एक बैलेंस बना रहे। अगर किसी में भी ज्यादा ले लिया, किसी में भी कम ले लिया, तो दूसरे कास्ट वाले नाराज हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, क्या होंगे, अगली बार वोट नहीं मिलेंगे, वोट नहीं मिलेंगे तो अगली बार सरकार नहीं बनेगी, सरकार नहीं मिलेगी तो आपको पता है क्या नहीं होगा, ठीक है ना। तो वही बड़ी बात है, तो नाराज नहीं कर सकते। इन इंडिया ऑर्गेनाइज एसोसिएशन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ट्राई टू इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। द एसोसिएशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वांट टू एक्सटेंड द टाइम लिमिट ऑफ देयर ऑलरेडी ऑब्टेंड रिजर्वेशन, ठीक है। अब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वाले क्या कोशिश करते रहेंगे हमेशा से कि अपना रिजर्वेशन आगे बढ़ता रहे, ठीक है। तो वो डिसीजन मेकिंग, अगर गवर्नमेंट डिसीजन ले भी लेती है कि भाई गलत है, गलत है जो भी है, रिजर्वेशन गलत है, आरक्षण हटा दो इसे, तो 5 जो काउंसिल में मिनिस्टर वगैरह और जो दूसरे छोटे छोटे मिनिस्टर कहेंगे वोट दिया था, ये कहां से हटा रहे हो, इसको बढ़ाने वाली बात करो, कम वाली क्या बात करो। तो गवर्नमेंट बेचारी करनी भी चाह रही होगी तो उसको रुकना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उनके सुननी पड़ेगी, बिना उनके काम चल नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही उन्होंने हाथ पीछे खींचा मेजोरिटी चली जाएगी, मेजोरिटी चली जाएगी तो सरकार गिर जाएगी। द कास्ट विच हैव नॉट रिसीव्ड रिजर्वेशन गेट आर इंटरनली होल्डिंग मूवमेंट टू गेट इट,
और जो कास्ट जिन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, जिनको आप दूसरी कैटेगरी जो ओपन कैटेगरी में या जिनको जनरल कह दिया जाता है कभी कभी, वो ओपन कैटेगरी वाले कहेंगे कि अपनी ये कोशिश होनी चाहिए कि रिजर्वेशन मिले, ठीक है ना। तो उसका आप एग्जाम्पल देख ही रहे हो, उसका एग्जाम्पल क्या हुआ कि इतने लोग से ट्राई कर रहे थे रिजर्वेशन हटाओ हटाओ हटाओ, अब पता चलने लगा रिजर्वेशन हटने वाला तो नहीं है। तो अब लोगों ने जो भी ओपन कैटेगरी वाले थे उन्होंने ये ट्राई किया क्या कि साहब हमारे यहाँ पे जो भी गरीब लोग हैं, जो भी बेचारे जो है जिनके पास बहुत कमजोर है, उनका बहुत शोषण हुआ है, वो उनको रिजर्वेशन भी नहीं है, उनको आप तो दे दो। तो 10% EWS प्रोवाइड करवा दिया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है साइड में लिख लो, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। तो EWS वाला कौन सा अमेंडमेंट है कि वो अमेंडमेंट किया गवर्नमेंट ने और 50% के अलावा 10% जो जनरल कास्ट में से EWS दिया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब वो लोग जिनके पास जो है पैसा, जिनका इनकम वो फिक्स क्राइटेरिया उतनी इनकम नहीं है या जमीन वगैरह नहीं है, उनको दे दिया। लो अब बचा क्या 40%, उस 40 में से भी जो है काटो तो 33% थोड़ा सा चला जाता है वुमेन्स के पास, फिर इधर उधर काट के जो लोग पीछे बसता है ओपन कैटेगरी में ओनली 24%, ठीक है, ये चीज मैं बता चुका हूं। Some are making efforts to get themselves added in the list of reserved caste. They try to influence the government by various measures to accept their demand. The organization based on casteism try to influence the process of decision making for their own interest and stop the decision which are unfavorable to their interest. ठीक है, हमेशा सब लोग यही चाहेंगे organization वाले different अपना फायदा हो, ठीक है, अपने फायदे के लिए क्या protest करेंगे, pressure बनाएंगे, हड़ताल करेंगे, हर चीज की कोशिश करेंगे, ठीक है, समाज में unity दिखाएंगे कि आज एकता बनाओ, ठीक है, एक्स वाई जेड जाति के लोग आ जाओ एकता, आज हमको नहीं एकता नहीं दिखाई तो अगली बार से और जो है हमारे ऊपर शोषण होगा, ये होगा वो होगा, उसके नाम पे हम बोले बेचारे बच्चे मासूम से उनकी बातों में आ जाते हैं और क्या कर देते हैं, हाँ सही बोल रहे हैं, एकता नहीं होगी तो वो एकता करते करते एकता ना भयंकर कंडीशन पे आ गई है, अब तो छोटे छोटे ग्रुप बनने लगे, मतलब वो मैंने अभी एग्जाम्पल दे दिया क्लासेस, मैं खुद देखता हूँ एज ए टीचर क्लासेस के अंदर ग्रुप बनने लगे कि ये इधर वाला, ये इधर वाला, वो उधर वाला, मतलब वो हद है, मतलब एक पागलपन हो गया है। तो ये इतना भयंकर सिचुएशन हो चुकी, ठीक है। आते हैं सेकंड पॉइंट पे, द डिसीजन ऑफ कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इन द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ किस पार्टी किस कैंडिडेट को कहां से खड़ा करना है ताकि हमें वोट ज्यादा मिले, किस एरिया में कौन सी पॉपुलेशन ज्यादा है कम है वो है, ये सारी चीजें देख के जो है प्रोसेस किया जाता है, ठीक है ना। तो ये मैं टॉपिक पढ़ नहीं रहा हूँ, ये आप देख लेना, प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। फिर आता है प्रैक्टिस ऑफ वोटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ठीक है, और वोटिंग जो होती है वो भी कास्ट के बेसिस पे होती है, ठीक है ना। तो ये भी इसके अंदर रोल है, कैसे कास्ट सेंटीमेंट वर्क इंटेंसली बाय वोटिंग इन द इलेक्शन इन इंडिया एंड ऑल द पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू प्रूव कास्टिज्म टू फुलफिल देयर सेल्फ इंटरेस्ट, द स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑफ कास्टिज्म कैन बी सीन इन द इलेक्शन ऑफ पंचायत राज इंडिया, ठीक है। तो बड़े बड़े इलेक्शन में तो होता ही, पर सबसे ज्यादा जो कास्ट का फैक्टर आता है वो ये बोल रहे हैं कि पंचायती राज जो इलेक्शन होते हैं जो गाँव में होते हैं वहां पे तो कास्ट का इतना भयंकर है मामला कि मतलब जाति ये सब कुछ है, सरपंच है कौन है, मुझे कौन वोट देगा, गांव में आपको पता है तो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट होती है, ठीक है, इनके 500 लोग मेरी तरफ कैसे आएंगे, उनको क्या करना पड़ेगा। तो ये जो पूरा खेल है जातिवाद का सभी जगह है और पंचायत में तो सबसे ज्यादा दिखता है क्योंकि वो एरिया कम होता है, लोग कम होते हैं, 2,500-3,000 एक गाँव में कितने लोग होंगे, 4,000-5,000, उसके अंदर से कौन किस कैटेगरी का है, कौन सी रिजर्व सीट है, किसकी सीट है, महिला है, एससी है, एसटीसी जनरल है, फिर हमें कौन कौन देगा, कौन नहीं देगा, जो नहीं दे रहे उनको अपने फेवर में कैसे लाना है, ये जो भयंकर प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो ये किसकी देन है, ये हमारे पॉलिटिक्स में कास्टिज्म की देन है, ये सब कुछ बिगाड़ा किसने किया है, कास्ट जातिवाद ने, ये वो उस जाति का इस जाति का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कास्ट ओरिएंटेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट में काउंसिल में भी मैंने बोला किस मिनिस्टर को कितना देना है, कितना रिप्रेजेंटेशन है, ठीक से किसकी पॉपुलेशन कितनी है, इसके कितने वोट हैं, इसके अगर इस मिनिस्टर को मैं इंक्लूड करता हूँ इस कास्ट वाले को तो अगली बार मेरे को कितने वोट मिलेंगे, ये सब सोचने का सिस्टम जो है ये पॉलिटिक्स में क्यों लेके आया है, कास्टिज्म लेना है, ठीक है। तो मैं बता चुका हूँ, इसको मैं फिर से पढ़ नहीं रहा हूँ, फिर भी किसी को कोई इश्यू हो थोड़ा दिमाग लगा लेना, फिर भी इश्यू हो तो मेरे पूछ लेना और तो क्या, ठीक है। कास्ट प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप मैं समझा चुका हूँ किस तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो एक कास्ट क्या करती है एज ए प्रेशर ग्रुप भी गवर्नमेंट पे जो है वो इफेक्ट करती है, रिजर्वेशन मांगते हैं हरियाणा यूपी राजस्थान में जो है किस कास्ट का कौन सा लोग है, कौन सा चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन सा मिनिस्टर बनेगा, ठीक है, रिजर्वेशन किसको देना है किसको नहीं देना है, ये सारी चीजें जो है इसके हिसाब से ही आपके होती है। कास्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन,
कास्ट इन स्टेट पॉलिटिक्स, कास्ट सपोर्टेड इलेक्शन कैंपेन, द राइज ऑफ पॉलिटिकल एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, तो 6, 7, 8 में नहीं पढ़ रहा हूं, मैं बता चुका हूं आपके लिए, मैं जो है 9th वाला फिर से पढ़ देता हूं। द राइज ऑफ पॉलिटिकल एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टो क्या होती है? राजनीतिक राजतंत्र। एरिस्टोक्रेसी क्या होती है? राजतंत्र, जिसमें राजा का बेटा राजा बनता था। तो कास्ट बेसिस पे क्या हो गया है कि जिस कास्ट का नेता है ना, उसका बेटा ही जो है अगली बार फिर से उसी सीट पे जीतता है। जैसे बहुत से एक्स वाई जेड है, यादव फैमिली है या जो पासवान फैमिली है, तो बेचारे कास्ट के नाम पे जो है अपना फायदा देखे जा रहे हैं, दूसरों का किसी से कोई लेना देना। तो ये एक तरह से राजतंत्र बन गया है कि बाप बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, तो एक फिक्स हो गया। तो उस जाति से दूसरे लोग तो आगे आ ही नहीं पा रहे हैं, दूसरा कैंडिडेट तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, वही लोग बार बार खड़े हो जा रहे हैं। तो क्या हो गया, एक तरीके से ये पूरी पॉलिटिक्स में क्या करती है, राजतंत्र को जो है फिर से लेके आया। उसको तो हमने मना किया था 1947 कॉन्स्टिट्यूशन में, एरिस्टोक्रेसी हटाओ, और ये कहीं ना कहीं आज फिर से ये एरिस्टोक्रेसी फिर से आने लग गई है। The people who have achieved high post in the caste organizations also get success in achieving high position in the politics. Although such people do not give support to casteism openly in politics, yet they do not forget their background. They advocate the direct or indirect form of ethnic interest. ठीक है, वो हमेशा ये ट्राई करते रहते हैं कि हमारी जाति का, हमारे कास्ट का, हमारे ब्रीड का चीज आगे बढ़ती रहे, और जो ये हमारे फॉलोअर्स है इनको पता ही नहीं चले, और हम जो है अपनी रोटियां, राजनीतिक रोटियां जिसको बोलते हैं, वो सेक लें और आराम से हम निकल के चले जाए। ठीक है ना, तो यहां तक पॉइंट खत्म होता है। कैरेक्टरिस्टिक वगैरह जो है फिर वो कल पढ़ेंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट वगैरह कल देखते हैं। आप इतना पढ़ो, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, और हो सके ना तो मैसेज जो है वो आप 3-4 बजे से पहले कर दिया करो, ठीक है ना, उसके बाद मैं क्लासेस बना लेता हूँ जनरली। ठीक है, जो कल मिलते हैं।